हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है लोअर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेकर, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी हर क्वेश्चन को। और ये आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी के और भी एग्ज़ाम्स हैं, जब लेखपाल आने वाला है या फिर जूनियर असिस्टेंट है या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें भी जीएस आती है, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो रिवर है उसके बैंक पे या उसके किनारे पे ये स्थित है। आपका जो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1336 में। ठीक है, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी जो स्थापना है वो की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम। तो फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम थे ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल थे इस उनका, और इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। ठीक है, 1817 में किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी, और इनका पूरा नाम है दार्शनिक फ्रोबेल, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1767 में। 1767 में इसको स्थापित किया गया, और इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोलेबोरेशन टेरी डैम प्रोजेक्ट भी कम्प्लीटेड उत्तर प्रदेश। टेरी डैम का जो प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में वो कौन सी मतलब देश के सहयोग से पूरी की गई थी परियोजना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोवियत रूस। ठीक है, या सोवियत रशिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ कि टिहरी डैम जो है, एक तो ये भागीरथी नदी पे है, ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पे है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर, ठीक है, या फिर 855 फीट ये इसकी ऊँचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? द सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस के में स्टार्ट की गई थी 1793 में, जो उनका शासन था 1793 तक, ठीक है, 1786 से 93 में, ठीक है, तो 1793 में जो है वो स्टार्ट की थी इन्होंने सिविल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, बचेंद्री पाल। ठीक है, बचेंद्री पाल थी, इन्होंने जो है इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, और ये पहली महिला थी, विश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला थी, और इन्होंने ये कारनामा किया था 23 मई 1984 में। ठीक है, 23 मई 1984 में, और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 11th जुलाई एज। 11th जुलाई को यूएनओ ने क्या मतलब निर्णय लिया है, कौन सा दिन होगा? तो इस दिन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना है? तो भाखड़ा डैम बना है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलुज रिवर पे। सतलुज पे ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है, ठीक है, और उसकी कितनी थी टिहरी की थी 260, उसकी थी 260.5, ठीक है, और 261 तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली मानी जाती है टिहरी डैम की, इसकी है 255.55, ठीक है, 255.55, तो ये सेकंड नंबर पे आता है उससे, ठीक है, टिहरी के बाद यही आता है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1948 में शुरू हुआ था, 1963 में ख़त्म हुआ था, तो 1963 में ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम। और सिक्किम की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो है 607,688, ठीक है। और सिक्किम के बाद जो स्टेट आता है वो है मिज़ोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, उसके बाद नागालैंड। ये टॉप 5 हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड, साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला में, ठीक है। साइलेंट वैली आपकी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? द रूर ऑफ इंडिया, किस रिवर बेसिन को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर, ठीक है। दामोदर को कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया, पहले इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, ठीक है। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ, कि ऋषभ देव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, और इनके जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ थे, और उसके बाद 22वें अरिष्टनेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर थे, ठीक है। ये लास्ट, मतलब अगर पूछा जाए, फर्स्ट की जगह लास्ट पूछा जाता तो वो होते महावीर, ठीक है। उसके बाद ऋषभ देव और अरिष्टनेमी जो थे वो, उनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है, और अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री जल का औसतन खारापन, सैलिनिटी बतानी है एवरेज ओशन वाटर की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का गठन कब हुआ था, ठीक है, मतलब सॉरी, किसके रिकमेंडेशन से यूजीसी का गठन हुआ है, तो किसकी सिफारिश से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है। इन्होंने कराया था 1948 में, स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में। नेक्स्ट है, विच प्लेटू इज नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया? तो मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया या फिर पठार भारत की खनिज, दिल्ली के देश के नाम से, दिल के देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर्स, ठीक है, कौन सा पदार्थ समुद्र के जल से निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है ये समुद्र के जल से निकाला जाता है, और ब्रोमीन जो है ज़्यादातर मिलता है हमें Mg, ठीक है, Br2 इस फॉर्म में मिलता है, MgBr2 की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद अवार्ड में कितना कैश प्राइज मिलता है? तो ध्यानचंद अवार्ड में जो कैश प्राइज मिलता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख, 5 लाख जो है कैश प्राइज दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है ये 2002 में शुरू हुआ था, ध्यानचंद अवार्ड हुआ था 2002 में शुरू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, फर्स्ट पपेट मुगल एम्परर बताना है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह। इसकी जो स्टोरी है, जो बहादुर शाह, जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी उसके बाद उनके जितने पुत्र थे, ठीक है, उनके थे 4 पुत्र, जहांदार शाह, अजीम उस शाह, और रफ़ी उस शाह, और जहां शाह, ठीक है। इन चारों में युद्ध हो गया था आपस में 1712, और उसमें युद्ध में जो है जहांदार शाह जीता 1712-13 ईस्वी में, ठीक है। और इसने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी, तो जुल्फ़िकार जो शाह था वो उसके उसमें चलता था, मतलब उसी की कहना मानता था, इसलिए उस वक्त इसको कठपुतली कहा जाता था, ठीक है। तो ये बना था जुल्फ़िकार खां का कठपुतली, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ माशेलकर को जो है नहीं मिला है, ठीक है, जो है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट रैंक्ड कमीशन्ड ऑफिसर कौन होता है इंडियन नेवी में? तो इंडियन नेवी में हाईएस्ट होता है एडमिरल, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी एडमिरल, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन जो है, जो पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन के लिए उन्होंने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डायरिया के लिए किया था, ठीक है, 17 जुलाई 2014 को, ठीक है, 17 जुलाई 2014 में आए थे वो डायरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डे सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा होता है? तो शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इनको, कंट्री कैपिटल को मैच करना है, तो कंट्री जो है फर्स्ट है तंजानिया, तो तंजानिया, तंजानिया की जो कैपिटल है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, ठीक है, उसके बाद केनिया की कैपिटल है नैरोबी, और नामीबिया की कैपिटल, तंजानिया की है डोडोमा, ठीक है, कीनिया की है नैरोबी, और नामीबिया की है रबात, और मोरक्को की है विंडहॉक, ठीक है, तो सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, तंजानिया की डोडोमा है और कीनिया की नामीबिया है, ठीक है, और कीनिया की नैरोबी है, नामीबिया की विंडहॉक है, और मोरक्को की रबात है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3-2-1-4-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है तो किस किस के बीच में चलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बैंकूवर और हेलीफैक्स के बीच में चलती है जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ऑफ स्टेट हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अध्यादेश, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल नंबर 213, ठीक है, सेक्ट थर्ड नंबर, अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट है, कौन सी बुक सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है इनमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड जो है ये लिखी है, गोल्डन बर्ड ये लिखी है ग्रिम ब्रदर्स ने, ग्रिम ब्रदर्स, ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है द गोल्डन बर्ड। और मैं आपको बताऊँ तो ब्रोकन विंग, जो द ब्रोकन विंग जो इनकी बुक है ये वाली, द ब्रोकन विंग, इस नाम से एक बुक जो है वो खलील जिब्रान ने भी लिखी है, द ब्रोकन विंग नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो स्टेट है उसमें बहिनी दरबार जो कि मंथली न्यूज़पेपर है जो कि सिर्फ वुमेन पब्लिश करती हैं, ठीक है, फॉर द वुमेन एंड बाय द वुमेन है, तो ये कौन से स्टेट में पब्लिश होता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में होता था, 2008 से हो रहा है, ठीक है, बहिनी दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था ये, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है, 1581 से लेकर और 1601 तक थे। नेक्स्ट है, डायनेस्टी ऑफ तुलुव किसने, जो राजवंश था तुलुव का वो स्थापना किसने की थी? तो तुलुव के राजवंश की जो स्थापना थी वो की थी ऑप्शन नंबर डी, वीर नरसिंह ने, ठीक है, तुलुव वंश जो है 1505 से 1570 की तक था, और इसकी जो स्थापना थी नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी, नरसा नायक के पुत्र थे ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है वो उपदेव उपवेद नहीं है?
इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, योगवेद जो है वो उपवेद नहीं है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जो देशों निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, इनमें से जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं इनमें से कौन से में से इक्वेटर पास करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया केन्या इंडोनेशिया। ठीक है, 13 देशों में से गुजरती है वैसे जो इक्वेटर है। नेक्स्ट है, होम द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी इन्वेस्टमेंट कमीशन। ठीक है, कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवी रामकृष्णा जी। इन्होंने 1997 में, ठीक है, विनिवेश आयोग की स्थापना की थी, डी इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना की थी 1997 में। उसके बाद है कजाइल कुम राजस्थान रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो कजाइल कुम रेगिस्तान जो है इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, पर ये दोनों आंसर हैं इसके। ठीक है, उस वक्त गलत होगा ये क्वेश्चन क्योंकि इस तरह से पूछा गया था, पर ये दोनों जो है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में आता है ये। ठीक है, और ये 11वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कमिश्नर जो है वो कितने साल तक ऑफिस को मतलब वो करते हैं, होल्ड करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, या तो 4 साल या 65 साल एज जो होती है, जो भी पहले हो जाएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी है केरला में, थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी 1986 में बनी थी। इसमें से बताना है कौन सी चीज़ करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट में से। एक तो है कि गवर्नर के बारे में दो चीज़ें दी गई हैं कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मतलब कि नॉमिनेट करते हैं 1/4 मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और एक है कि दो मेंबर को नॉमिनेट दो मेंबर जो हैं ऑफ द नॉमिनेट करते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये यहाँ पे 1/4 की जगह 1/6 होना चाहिए। ठीक है, 1/6 मेंबर्स को करते हैं और यहाँ पे आपका 2 की जगह 1 होना चाहिए, एक मेंबर को करते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है आपका प्रोविजन फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एंड ऑफेंस कौन से शेड्यूल में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कौन से शेड्यूल में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, शेड्यूल 1 और 2 दोनों में है। ठीक है, तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ द ओशन मेजर करने के लिए कौन सा होता है, करेक्ट ऑप्शन है फेदोमीटर। ठीक है, फेथोमीटर जो है वो डेप्थ ऑफ द ओशन मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन अभी मैंने जो ट्राई किया बनाने के लिए कि आपको हेल्प होगी, और मैं इसके बाद अभी 15 दिन एग्ज़ाम के हैं लगभग, 15 तो नहीं है 10 बचे हैं, तो लगभग तो 10 दिन में मैं ट्राई करूँगी कि और वीडियोस भी मैं लाऊँ, 4 से 5 वीडियो तो कम से कम इसी टाइप के क्वेश्चंस के लाऊँ, जिससे कि आपके जो है 300-400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बहुत आसानी से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और भी वीडियोस मैंने लोअर पीसीएस पे काफ़ी पहले मतलब डाली हुई हैं और वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।